चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीरा पतंजलि प्राञ्जलि राणा तोऽस्मि। अर्थात जिन्होंने मन की शांति और पवित्रता के लिए योग दिया, भाषण की स्पष्टता और शुद्धता के लिए व्याकरण दिया और स्वास्थ्य की पूर्णता के लिए औषधि, आइए ऐसे महान ऋषि पतंजलि को नमन करें। सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने अभिभाषण में सर्वप्रथम विश्व योगा दिवस पर पहल करते हुए अपना प्रस्ताव रखा, जिसे महासभा ने 3 माह के अंदर ही 193 देशों में से 177 देशों के बहुमत के साथ इसे स्वीकार किया। भाषण में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। यह मस्तिष्क और तन के बीच संतुलन प्रदान करता है और मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। इस वर्ष की इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की थीम के बारे में, तो यूनाइटेड नेशंस द्वारा इस वर्ष की थीम योगा फॉर वेलबींग रखी गई है। अर्थात जैसे कि हम सभी जानते हैं कि योगा हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, योग से हम कितने रोगों को दूर कर सकते हैं, तो इसी विषय पे आगे जानते हैं कि योग क्या है। योग एक प्राचीन शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई, जिसका अर्थ है शरीर व चेतना का मिलन। योग को संस्कृत में कुछ इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, संयोगो योगो इत युक्तो जीवात्म परमात्मनो। बात करते हैं योग के 8 अंगों के बारे में। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टो अंगानी। इट मीन्स प्रिंसिपल्स पर्सनल डिसिप्लिन पोस्चर्स कंट्रोल ओवर लाइफ फोर्सेस विड्रॉल ऑफ सेंसेस फोकस कंसेंट्रेशन मेडिटेटिव एब्जॉर्प्शन एंड एनलाइटनमेंट आर द 8 लिम्स ऑफ योगा। सैयद अदनान हुसैन, दिल से आपको योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन 21 जून 2014 से हम लोग इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, योगा और एक्सरसाइज, ज्यादातर लोग अधिकतर लोग मानते हैं योगा और एक्सरसाइज दोनों एक ही चीज है, मगर ये गलत है, ये गलत है। योगा और एक्सरसाइज दो अलग अलग है। आज जानेंगे योगा और एक्सरसाइज क्या है। योगा में हम जब सांसें लेते हैं उसपे सांसों पे हमारा कंट्रोल रहता है। हम अलग अलग आसन करते हैं उसपे सांसों अलग अलग आसन के हिसाब से अपनी सांस लेते हैं, परंतु एक
एक्सरसाइज भी हम अपनी सांसें हमारी तेजी से साथ चलते हैं, उस पर हमारे सांसों पर कंट्रोल नहीं होता, जबकि योगा में हमारे सांसों पर कंट्रोल होता है। योगा में हमारी ऊर्जा धीरे धीरे खर्च होती है, इस वजह से हम जल्दी थकान महसूस नहीं करते, परंतु व्यायाम में एक्सरसाइज में हमारी ऊर्जा तेजी के साथ खर्च होती है, जिस वजह से हम जल्दी थकान महसूस करते हैं। तो दोस्तों हमने जाना कि योगा और इसमें अंतर क्या है। प्रातः तो दोस्तों आज योगा डे पे हम जाना योगा एक्सरसाइज और योगा दो अलग अलग किस प्रकार है। तो दोस्तों प्रातः एक्सरसाइज करते रहें, अपने शरीर को स्वस्थ बनाते रहें। एक बार फिर से दिल से योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।